हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप मार्केट जैसा ऑरेंज फेस पैक घर पर कैसे बना सकते हैं। इसके लिए मैंने लिया है यहाँ पर एक गुलाब के फूल की पंखुड़िया। इन गुलाब की पंखुड़ियों को मैंने दो दिन तक छांव में सुखा लिया। आपको इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि गुलाब की पंखुड़ियों को धूप में बिल्कुल नहीं सुखाना है। और मैंने लिया दो संतरे का छिलका और इसे मैंने दो दिन तक धूप में अच्छी तरह से सुखा लिया। अब यहाँ पर मैंने गुलाब की पंखुड़ियों को दो दिन तक छांव में सुखा लिया। संतरे के छिलके को भी मैंने दो दिन तक कड़क धूप में सुखा लिया। संतरे के छिलके को धूप में अच्छी तरह से सुखाने के बाद मैंने यहाँ पर एक मिक्सी का जार लिया और उसमें डाला संतरे का छिलका। संतरे के छिलके को सुखाने के बाद हम इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे। इसके बाद मैंने इसमें डाला सूखे हुए गुलाब के पंखुड़ियों को। अब मैंने इसमें डाला एक चम्मच चावल। अगर आपके पास चावल का आटा है तो वो भी आप डाल सकते हैं। इसके बाद मैंने डाला इसमें दो चम्मच मुल्तानी मिट्टी। अब मैंने डाला इसमें एक चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर डालने के बाद मैंने सारे मिश्रण को मिक्सी में अच्छी तरह से एकदम बारीक पीस लिया। इसे हम बिल्कुल बारीक पीसेंगे। आप यहां देख सकते हैं कि मार्केट जैसा कितना बढ़िया ऑरेंज फेस पैक यहां पर बनकर तैयार हुआ है। पीसने के बाद तो इसकी खुशबू पूरे घर में फैल गई है। अब मैंने यहां पर लिया एक कांच का जार और मैंने जो फेस पैक बनाया था इस कांच के जार में भरकर रख दिया। इस फेस पैक का इस्तेमाल आप एक महीने तक कर सकते हैं। जब भी आपको इस फेस पैक का इस्तेमाल करना हो आप एक चम्मच फेस पैक लीजिए और उसमें डालिए दो चम्मच गुलाब जल और इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अपने पूरे फेस पर लगाइए। दो से तीन बार लगाने के बाद ही आपके चेहरे के दाग धब्बे तो दूर होंगे ही, साथ ही गर्मियों के लिए तो ये फेस पैक लाजवाब है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।